अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं मोहिन खान बांसवाड़ा से हूँ, बांसवाड़ा का निवासी हूँ, रहने वाला। मेरा वहाँ पे छोटा मोटा कारोबार है। हम लोग पिछले महीने अप्रैल के अंदर 18 अप्रैल को हम लोग दतिया के अंदर फंस गए थे लॉकडाउन होने की वजह से। फिर हमारी उसके बाद में हमारा लॉकडाउन की जाँच हमारी जाँच हुई, हम लोग कोरोना नेगेटिव हैं। दो जाँचों के अंदर ये बात आई सामने, उसकी वजह से फिर यहाँ पर 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद में वहाँ के एसडीएम साहब ने संज्ञान लेकर और हम लोगों को परमिशन दी यहाँ से जाने की, और हम लोगों को वहाँ से रिलीज करा। हमारे पास पूरे कागजात अपने परमिशन हैं, और वहाँ के सीएमएचओ साहब हॉस्पिटल के हमारे पास कागजात है जिसके अंदर हम कोरोना नेगेटिव पाए गए। लेकिन ये सारे कागजात और परमिशन होने की वजह से हम अपनी गाड़ी लेके जब समाज के लोगों ने हमें रवाना करा वहाँ से दतिया से, और यहाँ पर भेजा बांसवाड़ा के आप लोग अपने घर बांसवाड़ा चले जाएं। लेकिन बांसवाड़ा आने से पहले बॉर्डर के ऊपर हमें रोक लिया गया, और हमें ये कह के भी आप कोरोना संक्रमित हैं, और वहाँ से अंदर नहीं दाखिल होने दिया हम लोगों को बॉर्डर के अंदर, और वापस कर दिया गया कि जहाँ से आप लोग जहाँ से आए हैं आप लोग वापस वहाँ चले जाएं। लेकिन जब हम लोग वापस वहाँ से थक हार के पहुंचे तो आगे चल के बड़ौद पुलिस ने हमें रोक लिया और ये कहा कि भाई आप लोगों को आगे परमिशन नहीं, क्योंकि आपके पास जहाँ की परमिशन है आप वहीं जाएंगे, ये कह के हमें वापस वहां से भी वापस कर दिया। तो हम ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। रात हो चुकी थी, रोजा था हम लोगों का। हमने रास्ते में सड़क पर इफ्तार करके, और मेरे साथ मेरी मिसेज अकेली, मैं अकेला मर्द हूँ, मुझे इनकी इज्जत का भी खतरा होता है, तो मैंने फिर इनको लेके पास के गाँव के अंदर रिक्वेस्ट करके जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर चौमेला 20 किलोमीटर पड़ता है आलोट से अंदर की तरफ, तो वहां पर हम लोग रात को आए थे। तो उन लोगों ने पहले तो कहा कि ठीक है, हम जांच करके आपका कुछ क्वारंटाइन वगैरह कर देंगे, तो आप यहाँ रुक जाना। हम उसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर बाद में जब उनको ये चीजें सामने आई कि भाई हम लोगों को बांसवाड़ा वाले तैयार नहीं रखने के लिए, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया हमारे द्वारा। इतना एहसान करा कि रात को यहाँ पर ये स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल के अंदर स्तंभ के अंदर हम लोगों को रखा है रात से। लेकिन ये कहा है कि सुबह आप लोग अपने